हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम न्यू एक्स ऐप का रिव्यू करने वाले हैं। देखेंगे कि फ्रेंड्स इस ऐप के अंदर क्या क्या आपको हिडन टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलती है। फुल प्रॉपर रिव्यू जो है मैं आप सभी को देने वाला हूं, क्योंकि फ्रेंड्स इस ऐप को मैंने 4 महीने से ज़्यादा जो है इस्तेमाल कर लिया है। क्या क्या मेरे को इसमें दिक्कत हुई, क्या क्या अच्छी बातें मेरे को यहाँ देखने को मिली, ये सारी सारी जानकारी जो है आप सभी को इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम न्यू एक्स के बारे में बात करते हैं कि ये ऐप जो है किस तरीके से वर्क कर रही है। ये ऐप जो है फ्रेंड्स इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसके साथ पार्टनरशिप करके जो है आप सभी का बैंक अकाउंट जो है उस बैंक में जो है ओपन कर रही है। अब सबसे पहले मेन बात ये आती है कि आप सभी या मैं इस बैंक में अपना अकाउंट क्यों ओपन करूं। तो फ्रेंड्स यहां पे बहुत सारे एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज तो ये है फ्रेंड्स, ये 0 बैलेंस अकाउंट है, आपको 1 रुपया भी इसमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट बैलेंस 0 होगा और आपको जो है चार्ज या पेनल्टी वगैरह जो है आपको देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपके बैलेंस में कुछ भी ना हो तब भी जो है फ्रेंड्स ये अकाउंट चलता है। दूसरा सबसे बड़ा मेन एडवांटेज ये है कि आप जो है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इस ऐप के थ्रू जो है पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो मेन एडवांटेज यहाँ पे देखने को मिलता है कि आपको कहीं किसी थर्ड पार्टी ऐप में जाके अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको डैशबोर्ड आपको इसी ऐप के अंदर देखने को मिलता है, आपने कहाँ कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, अच्छे से आप डैशबोर्ड को देख सकते हैं वो भी 0% कमीशन पे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज जो है आप सभी को यहाँ पे जो है देखने को मिलता है। आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा फ्रेंड्स कि आप सभी इस बैंक में जब अपने पैसे को जमा करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट आपको कितना पर एनम जो है देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा फ्रेंड्स आपके दिमाग में, तो चलिए फ्रेंड्स इस बारे में भी हम जान लेते हैं। अगर आप फ्रेंड्स 1 लाख से कम की रकम रखते हैं अपने अकाउंट में, तब जो है फ्रेंड्स आपको इस पे जो है 3.5% का जो है ब्याज देखने को मिलेगा। 1 लाख से 5 लाख की अगर आप रकम रखते हैं तब आपको जो है इसमें 6% का इंटरेस्ट रेट जो है आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप 5 लाख से 50 लाख के बीच की रकम रखते हैं तब आपको जो है इसमें 7% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। और अगर आप 50 लाख से ज़्यादा का अमाउंट रखते हैं इस अकाउंट में तब जो है आपको 5.5% का इंटरेस्ट रेट जो है देखने को मिलेगा। 5.5% क्यों का 50 लाख से ऊपर जाने तक, यानी 50 लाख तक तो जो है फ्रेंड्स आपको 7% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे आप 51 लाख से ऊपर जाएंगे तो आपको इसी टेबल के अकॉर्डिंग जितना जितना इंटरेस्ट रेट जितने पे है उसी हिसाब से जो है आपको इंटरेस्ट रेट जो है देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे 50 लाख तक की रकम है तो उस पर 7% का इंटरेस्ट रेट है, और अगर 1 लाख से कम की रकम है तो उस पर 3.5% का इंटरेस्ट रेट है। तो मान लीजिए कि आपके खाते में 51 लाख रुपये हैं तो 50 लाख तक तो जो है फ्रेंड्स आपको 7% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, और जो 1 लाख है उस पर आपको 3.5% का जो है ब्याज देखने को मिलेगा। तो ये है फ्रेंड्स इसका इंटरेस्ट टेबल, आई थिंक आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे। और ये इंटरेस्ट रेट जो है फ्रेंड्स बैंक कभी भी चेंज कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी इतना है तो बाद में भी इतना ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं बैंक वाले जो है स्टार्टिंग में आपको कस्टमर्स को जोड़ने के लिए अच्छी अच्छी स्कीम देते हैं, बाद में जो है इंटरेस्ट रेट जो है कम कर देते हैं। तो ये ऐसा बात में हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल में कंपनी जो है ये ऑफर जो है आप सभी को दे रही है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फंड ट्रांसफ़र के बारे में। अगर आप सभी इस ऐप के थ्रू अपने अकाउंट से किसी भी अकाउंट में अगर पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करेंगे तो उस पर क्या क्या चार्जेस आपको देने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप UPI का इस्तेमाल करते हो तो एकदम फ्री है ना, वो आप सभी जानते हैं, जिसमें आप मैक्सिमम जो है पर डे की लिमिट है आपकी 10 ट्रांजेक्शन पर डे कर सकते हैं, और पूरे मंथ में मैक्सिमम 300 ट्रांजेक्शन जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपकी UPI की लिमिट हो गई, प्लस आप NEFT, ठीक है, और उसके बाद जो है IMPS, RTGS, इस सब सर्विसेज का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फ्रेंड्स अगर आप ऑनलाइन किसी को पैसे भेज रहे हैं अपने खाते से खुद से ऑपरेट करके तब तो फ्रेंड्स आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और अगर आप जो है फ्रेंड्स बैंक में जाते हैं यही काम कराने के लिए तो आपको जो है वहाँ पे कुछ चार्ज जो है नॉमिनल फीस जो भी होती है वो आपको जो है पे करनी पड़ेगी। इतना जो है आप सभी ध्यान रखिएगा। हर महीने का 1 लाख तक का ट्रांजेक्शन अगर आप ब्रांच में जाके यानी ब्रांच के थ्रू करवाते हैं तब आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद जो है आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स डेबिट कार्ड की। यहाँ पे डेबिट कार्ड में आप सभी के पास 2 डिज़ाइन जो है अभी फिलहाल में अवेलेबल है। इन दोनों में से कोई भी डिज़ाइन आप सेलेक्ट करके जो है कोई भी एक डिज़ाइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो कार्ड है फ्रेंड्स एकदम लेटेस्ट फीचर्स के साथ आता है, जैसे टैप टू पे वाला फीचर,
फीचर जो है वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है, उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। ये सारी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस ऐप के अंदर कस्टमाइजेशन के अंदर देखने को मिलता है। मान लीजिए कि आप अपने कार्ड के अंदर टैप टू पे वाला जो फीचर है उसको डिसेबल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऑनलाइन वाले जो ट्रांजेक्शन है उसको भी डिसेबल करना चाहते हैं वो भी डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। एटीएम से कैश विड्रॉल का ऑप्शन आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, यानी पूरा कंट्रोल आपके कार्ड पे आपका रहेगा अगर आप सभी इस ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये फीचर काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे फ्रेंड्स अब इसका चार्ज क्या होगा ये चीज़ ज़रूरी है। जैसे नॉर्मली आपको कहीं पे भी आपको पता है आप अपने कार्ड को नॉन मेट्रो सिटीज़ में अगर इस्तेमाल करते हैं तो मंथली आपको 5 ट्रांजेक्शन जो है एकदम फ्री होता है और उसके बाद जो है 21-23 रुपीज़ जो है चार्ज लगता है, ठीक है, पर ट्रांजेक्शन। यही चीज़ इसके अंदर है। मेट्रो सिटीज़ में आप मैक्सिमम 3 ट्रांजेक्शन फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आपको यही चार्ज जो है पे करना पड़ेगा। सेम यही चीज़ इस कार्ड के साथ है। अब इस कार्ड का कोई एनुअल चार्जेस है तो फ्रेंड्स है 150 रुपीज़ आपको जो है इसका एनुअल पे जो है करना पड़ेगा, प्लस इसके साथ जो है इसका जो टैक्स GST है वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ईयर में यानी पहले साल जैसे आप इसके अंदर अकाउंट बनाएंगे और कार्ड को बुक करेंगे तो कार्ड जो है आपको फ्रेंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साल भर के लिए आपको कोई मेंटेनेंस चार्ज जो है आपको पे नहीं करना पड़ेगा। बस आपको कार्ड तब मिलेगा जब आप अपनी फुल KYC कर लेंगे। फुल KYC के लिए आप KYC शेड्यूल सेलेक्ट कर लीजिए, आपके पास जो है KYC एजेंट आएगा, बस आपको KYC कर देनी है, कुछ नहीं करना, आधार कार्ड दिखाना है और फिंगरप्रिंट लगाना है, KYC डन। कोई भी आपको जो है फालतू कोई भी काम नहीं करना। KYC कराने के बाद आपको एक कार्ड जो है मिल जाएगा, कुछ ही टाइम बाद कोरियर से आपको पास आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब जान लेते हैं कि इन कार्ड्स की लिमिट क्या है, आप पर डे कितना ट्रांजेक्शन इस कार्ड के साथ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पॉज मशीन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तब ऐसे केस में आप 2 लाख रुपीज़ पर डे का ट्रांजेक्शन ऑनलाइन और स्वैप करके जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। टैप टू पे वाला फीचर है फ्रेंड्स, इससे जो है आप मैक्सिमम अभी फिलहाल में 5,000 से 10,000 के बीच का ट्रांजेक्शन जो है आप कर सकते हैं पर डे का। और उसके बाद जो है अगर मैं कैश विड्रॉल की बात करूं तो 1 लाख पर डे आप जो है कैश विड्रॉल इस कार्ड के साथ कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो है आपको इस कार्ड के अंदर जो है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं, आप बिंदास होकर इस कार्ड को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नया फीचर जो है फ्रेंड्स आप सभी को इस ऐप के अंदर देखने को मिलेगा वो है फ्रेंड्स स्विफ्ट कोड का। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो बैंक है ये स्विफ्ट कोड फैसिलिटी आपको देता है। अगर आप सभी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वगैरह करना चाहते हैं, कहीं से बाहर से पैसा मंगाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप इसका स्विफ्ट कोड इस्तेमाल करके जो है अपने बैंक में कहीं बाहर से भी पैसे मंगवा सकते हैं। और दूसरी बात फ्रेंड्स, इस पे भी कोई फालतू चार्जेस नहीं है। बस आपने जैसे मान लीजिए बाहर से कहीं से $50 मंगाए तो $50 ही आपको जो है रिसीव होंगे। इसमें ऐसा नहीं कि जो भी डॉलर कन्वर्जन रेट है वो आपको जो है अलग से पे करना पड़ेगा जैसे और बैंक वगैरह करते हैं, बहुत सारे करते भी बहुत सारे नहीं भी करते। तो यहाँ पे सबसे अच्छी ये बात है कि आपको फालतू फीस देने की ज़रूरत नहीं है, जितना पैसा आप मंगाएंगे उतना पैसा जो है आप पाएंगे, ठीक है। तो ये भी जो फैसिलिटी है मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि फ्री में एक ऐसा बैंक अकाउंट मेरे को मिल गया जिसके अंदर मेरे को स्विफ्ट कोड की फैसिलिटी भी देखने को मिलती है, जो कि फ्रेंड्स बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो जो है जरूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप सभी के लिए सेकंड वीडियो जो है लेके आऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।